दोस्तों, तो जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं बेंगलोर पैलेस के जस्ट सामने ही हम लोग हैं, और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये स्थान पार्किंग का, अगर आपको पार्किंग करना है तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पो खड़े हैं, आपको यहाँ पार्किंग कर सकते हैं आप लोग। और फॉरनर भी आए हुए हैं, लाइन लंबी है तो थोड़ा सा हम लोग वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अंदर जाएंगे आप लोगों को हम दिखाएंगे कि कैसा है ये जगह। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते रहेंगे। हम लोग टिकट काउंटर पहुंच चुके हैं, टिकट लेने जा रहे हैं। ये है टिकट लिस्ट आपका। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग पैलेस के अंदर आ चुके हैं, और पैलेस से जस्ट जो आउटर साइड है वहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। और आपको इस जगह के बारे में बताते हैं, ये जगह जो है पूरा पैलेस जो है 540 एकड़ में फैला हुआ है, और इसको जो है वाडियार वंश के राजा चमरजेंद्र ने बनवाया था। उन्होंने 40,000 रुपयों में रेवरेंड जे गैरेट से ये ज़मीन खरीदी थी, जो स्कूल की प्रिंसिपल थी, और बाद में इन्होंने 1874 ईस्वी में इसको बनवाना शुरू करा, और पूरे बनवाने के कास्ट में 10,00,000 रुपये लगे, और 1878 में ये जाके कम्प्लीट हो गया। और बहुत ही अद्भुत बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो वास्तुकला यूज़ की गई है, ट्यूडर शैली का वास्तुकला और स्कॉटिश शैली मिलाकर यूज़ किया गया है, जिससे बहुत ही आकर्षक दिखता है ये पूरा बिल्डिंग। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, इसके अंदर की जितनी भी एक्साइटिंग चीज़ें हैं आपको दिखाते रहेंगे, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहिए, ऐसे एक्साइटिंग चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए सेनापति खड़े हुए हैं, और यहाँ की एक खास चीज़ और है कि यहाँ पर कोई चीज़ आप टच नहीं कर सकते यहाँ को सिर्फ, इसलिए किसी चीज़ को आप टच मत करें, बस देखते रहें, इन्जॉय करते रहें महल का, क्योंकि ये अपना महल नहीं है, वाडियार वंश का है, इसलिए इन्जॉय करें, टच मत करें। यहाँ पर देखिए कितने सारे चित्र लगे हुए हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कि इस पूरे महल में 30,000 से ज़्यादा सीनरीज लगी हुई हैं, जो हर चीज़ों को जो है डिस्क्राइब करते हैं, हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर रही है सारी चीज़ें। मैसूर के जो राजा थे उन वाडियार वंश का ही महल है ये, और यहाँ के जितने राजा हैं सबका फोटो दिखाया गया है, इन्होंने इस महल को बनवाया था। ननवाड़ी कृष्णराज वाडियार। जिसे कहते हैं महल, अगर आप कभी महल में नहीं गए हो तो देखो महल में कितनी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और एक नक्काशी, एक एक चीज़ इतनी सुंदर तरीके से बनाया जाता है कि जिसको देखकर दिल खुश हो जाता है। सीढ़ी देखिए आप पहले, इसका डिज़ाइन देखिए, सब लकड़ी का ही बना हुआ है। ये देखिए यहाँ के जो वाडियार वंश के राजा थे, सब इसी में खाना वाना खाते थे। तो इस समय हम लोग यहाँ पर खड़े हों, यहाँ पर फोटोग्राफी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर से खुला हुआ है तो रोशनी यहाँ पर पूरी आती है। और ये देखिए प्राचीन कलाकृतियाँ हैं, कितनी अच्छे ढंग से ये कलाकृति बनाई गई है। प्राचीन शैलियाँ डिजाइन सारी बनी हुई हैं, तो आएंगे तो आपको आनंद जरूर मिलेगा। यहाँ पर मिली है, ये है प्लेस की महारानी, आप यहाँ से देखिए, और ये इस महल की महारानी है। इस मतलब झूठे झूठे ना बोल रहे हैं? नहीं यार, सच में लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए गेम खेलने के लिए इतना बड़ा हॉल इन्होंने बनाया था, और यहाँ पर प्लेयर्स खेलते हैं, यहाँ पर मेडल्स रखे हुए हैं सारे, और ये डंडी रखी हुई जिसका यूज़ किया जाता है। मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है प्लेयर्स के बारे में, लेकिन आप उसको दिखा दें कि यहीं पर खेलते हैं।
समय हम लोग फव्वारे के पास खड़े हुए हैं। फव्वारा तो चल तो नहीं रहा, लेकिन प्राचीन समय जब राजा थे तो ये चल रहा था और रानियाँ यहाँ पर आती थी और फोटो क्लिक करती थी। उस समय तानी मजाक कर रहा हूँ। और देखिए कितनी सारी पिक लगी हुई है यहाँ पर, 30,000 से ज़्यादा सीनरीज लगी हुई हैं। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जो है ये फव्वारा लगा हुआ है, लेकिन इस समय चल नहीं रहा है। और जो टाइल्स देख रहे हैं ब्लू सिरेमिक टाइल्स का यूज किया गया है जो इस समय बन रहा है। वह प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है, महल का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। ये देखिए ऊपर झूमर लगे हुए हैं, इतना प्यारा भाई, बहुत सारे से लगे हुए सारे झूमर हैं, उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। और ये पिक देखिए पुराने ज़माने के जो राजाओं के पिक थे या इन्होंने जो भी मीटिंग्स हुई थी वो उस समय के सारे पिक को यहाँ पर लगाया गया है। इस महल की सारी यादें पिक के माध्यम से समाहित की गई हैं और हर एक पिक अलग अलग इंसिडेंट को जो है शो करता है। इसलिए हर एक पिक जो यहाँ पर लगे हुए हैं ये हर एक इंसिडेंट को, हिस्ट्री को बयां करते हैं। ऊपर जा सकते हैं, ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं ही राजा हूँ। राजा वाली फीलिंग आ रही भाई। और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं महल का, बहुत ही प्यारा बना हुआ। ये देखिए यहाँ पर बैठ के पिक क्लिक करा सकते हैं राजा। ये देखिए ये भी किसी जो के हड्डी का ही बनाया गया है सोफा बैठने के लिए, पैर का है मुझे पता नहीं चल रहा। यहाँ पर देखिए भाषा बना, लेदर यहाँ पर जो खाल लगी हुई है भी किसी जानवर का बना हुआ है, पैर देखिए हड्डी है। ब्रिटिश के ज़माने की पेंटिंग्स हैं जो अलग अलग इंसिडेंट को दिखा रही हैं। सभी पेंटिंग्स बहुत ही डीप मीनिंग है, आपको ध्यान समझना होगा हर पेंटिंग का डीप मीनिंग। ये किसी युद्ध को दिखाता हुआ पेंटिंग है, पहले लड़ाई होती थी ना तो उस लड़ाई को दिखा रहे हैं, तो ऐसी लड़ाई है। ये रामचंद्र जी की पिक है और ये महल का जो फर्स्ट फ्लोर है यही आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये इस महल की लाइब्रेरी है, ये देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से जो है मैनेज किया गया है। ध्यान से देखा बोलो भाई, तो बुकें यार बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं यहाँ पर, देखने में ही लग रहा है। महाराज के शादी की पिक है, बाल विवाह होता था पहले, वही है। मंजुलिका ये मंजुलिका यहाँ से दिखेगी, देखिए हाँ ऐसे। अरे भाई यार डर क्या, ताला लगा
सारा सामान कुर्सी उर्सी भाई तो सामने देखो दियो यार कितना जबरदस्त लग रहा है। और अच्छा दिख रहा है सब अच्छा दिख रहा है। यहाँ का झूमर देखिए और ये ऊपर रखा ऊपर दिखाओ बोलो भाई तो एक बार ऊपर जूम करना ऊपर देखिए डिज़ाइन कितना खूबसूरत बनाया गया है। जैसा आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है ऊपर छत पे और ये देखिए वास्तुकला के बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। सामने मिरर देखिए कितना बड़ा मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर बैठकर खाना वाना भी खाते थे डाइनिंग रूम है बातचीत कर सकते थे। झूमर देखिए आप पुराने ज़माने के एक सब कहाँ देखने को मिलता है। ये फूल पत्ती जो इस पर बनाई गई है पिलर्स पे और ये देखिए जो यहाँ पर रूम में बने हुए हैं फर्नीचर उसका डिज़ाइन है मैं बना हुआ है ये सब पहले से डिज़ाइन किया गया है। लेकर खड़ा हुआ लेकिन अब जो है इस पर वो लगा दिया गया है नए ज़माने का लाइट लगा गया पहले इसमें मसाल जलती रही होंगी। और ये देखिए राजा महाराजा का पेंटिंग लगा हुआ है यहाँ पर। चीज़ की सबसे ज़्यादा खास बात है कि यहाँ पर जगह जगह पर पेंटिंग्स लगे हुए हैं और फ़ोटोज़ लगे हुए हैं 30,000 से ज़्यादा सीनरी और फ़ोटोज़ लगे हुए हैं यहाँ पर जो इस महल की सबसे खास बात है जो हर चीज़ को दिखाती है। पहले यहाँ पर मसाज जलता था जब पहले लाइट के लिए क्या जलता था मसाज जलते थे ना हाँ उसके लिए बनाया गया था ताकि इस महल में जो है रोशनी लगी इसलिए जगह जगह पर लगाया गया है इसको। और ये हाथी का सिर आप देख रहे हैं ये रियल हाथी का सिर है दांत देखिए आप कितने बड़े हैं और बहुत ही फेमस है ये इस महल में जो आता है। अगर आप इस जगह पर नहीं आए तो समझो आप इस महल में कुछ नहीं देखे हो इसलिए ये जगह पर ज़रूर आएँ। और ये फर्स्ट फ्लोर पर ही स्थित है पहले ये जगह खोला नहीं गया था 2005 के बाद जो है इस महल में लोगों के लिए अलाउ है। उसके पहले ये महल वडियार वंश के ही उसमें था अलाउ नहीं था आम पब्लिक के लिए 2005 के बाद इसमें आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया जिससे अब हम लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हो चीज़ों को देख सकते हो। और ये पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है अगर आप बेंगलोर में हो यहाँ नहीं आए हो तो आपका समझो आप घूमे नहीं हो बेंगलोर से ही से इसलिए यहाँ पर ज़रूर आएँ। अंग्रेज के ज़माने के आपको तोप दिखाते हैं इसी से युद्ध लड़ा जाता था तो आपको बताने का मोटिव ये है कि हम लोग महल से बाहर आ चुके हैं ये तोप जो है महल के बाहर रखा गया सुरक्षा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है ये लोगों के लिए रखा गया ताकि लोग देख सकें। और इसके सामने जस्ट पार्क है और हम लोग पार्क में जाएंगे यहाँ पर पार्क है और इधर साइड में राइट हैंड में गार्डन भी बने हुए हैं और जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप गार्डन महल को घूमिए उसके बाद पार्क में जाके एंजॉय करिए फ़ोटो क्लिक करिए बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते रहते हैं यहाँ पर तो देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो सामने पार्क देख रहे हैं ये भी काफ़ी बड़ा है छोटा नहीं है गार्डन है तालाब भी होगा शायद मुझे लग रहा है हाँ। तो चलिए आप लोगों को पार्क में ले चलते हैं दिखाते हैं पार्क कितना एक्साइटिंग है तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चुपके से जाना पड़ रहा है पार्क में ये देखिए भाई पार्क है यहाँ से स्टार्टिंग है पार्क का यहाँ पर आप चीज़ों को टच कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और नेचर से हमेशा प्यार करें अगर नेचर नहीं है तो आप नहीं। जहाँ पर ग्रीनरी रहता है वहाँ पर घूमने में अलग ही मज़ा आता है मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप सब भी नेचर से प्यार करिए पौधे लगाइए
ताकि ऑक्सीजन की कमी ना पड़े और दूसरे प्लेनेट पे हमें ना जाना पड़े, इसको ध्यान में रखिए आप। ये सामने देखिए, ये है कटहल का पेड़। और यहाँ से पूरा पैलेस जो है बहुत पूरा पैलेस दिखता है आपको, मतलब बहुत ही अच्छी जगह। यहाँ से आप अगर फोटो क्लिक करते हैं तो पूरा पैलेस आएगा। ये देखिए जल परियाँ रहती हैं यहाँ पर। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये फव्वारा है, अभी चल नहीं रहा है लेकिन अच्छा लगता है। और यहाँ से देखिए पैलेस का व्यू बहुत ही अच्छा रहा, महल का एक बार व्यू देखिए आप सब, पूरा महल दिख रहा है। जितना आप कैमरे में नज़र आ रहा है यही पार्क है, इतनी चीज़ें हैं महल के सामने बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया ताकि यहाँ पर आप कर महल घूमें, उसके बाद आकर आप यहाँ पर चिल कर सकते हैं।